तो चलिए अब रुक कर लेते हैं कुछ खबरों की ओर। सिवनी शहर के एक बाबा और उसके चेले द्वारा शक्तिनगर जबलपुर से दंपत्ति को झांसा देकर 12 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगी के शिकार हुए जबलपुर के दंपत्ति द्वारा सिवनी पहुंचकर अजाक थाने में लिखित शिकायत की गई, जहां पुलिस थाने में जांच में जुट गई है। वही पीड़ित परिवार ने बाबा और उसके चेले पर डराने, धमकाने और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए। एएसपी श्याम कुमार मरावी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। और मैं शक्तिनगर बदनपुर जबलपुर का निवासी हूँ। मेरी मुलाकात सावन डहरिया जो सिवनी भैरवगंज के निवासी और उनके गुरुदेव डॉक्टर सत्यनारायण गिरी गोस्वामी जी हैं, जो वहाँ के आश्रम है इनका सिवनी में। मेरे घर में थोड़ी सी समस्याएं थी, मेरे बच्चे को थोड़ा तबीयत खराब थी, तो एक बार इनसे मुलाकात हुई, बोले हम ठीक कर देंगे। फिर आके इन्होंने बताया कि तुम्हारे घर में बहुत प्रकोप है, बहुत समस्या है, आप हमें 12 लाख दो तो हम ठीक कर दें। हमने कहा इतना पैसा तो है नहीं हमारे पास, हमने कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 5 लाख, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके हमने आज 12 लाख दे दिया। आज हमें ये जान से मारने की धमकी देते हैं, हमारे लाखों शिष्य हैं, आज आप बचोगे नहीं, कहीं भी जाओगे तो पूरे शहर में ऐसा बोलते हैं, डराते धमकाते हैं, और हमें बहुत अभद्रता से बात की जाती है। अब मैं सरकार से चाहता हूँ कि मेरे साथ तो जो हुआ मैं आज ये किसी के साथ ना हो और मुझे न्याय मिले सरकार के साथ। दीपक प्रधान जबलपुर शक्तिनगर बदनपुर से। जो सावन डहरिया हैं उनके गुरु हैं वो हमारे यहाँ आना जाना करने लगे, इनसे हमारी ऐसी जान पहचान हो गई थोड़ी किसी के द्वारा। अब ये हमको तुम्हारे हमारे पति के ख़त्म होने के बाद में ये दुनिया भर का बताने लगे हमको, इनके झांसे में आ गए हम। फिर जे हम पूजा पाठ करवा देंगे करके पैसे धेले मांगने लगे तो 50-50 हज़ार, कभी 60 हज़ार, ऐसा कर करके हम तुम्हारा पूरी परेशानी हल कर देंगे, ऐसा करके हम चलो हम अब लड़के की पारी है, अभी आपके आदमी को हुई है ख़त्म हुए हैं, अब लड़के की पारी है, माता जी आपके ऊपर है। एक दंपत्ति है जबलपुर का और यहाँ के बाबा हैं जो जड़ी बूटी का भी काम करते हैं, देखभाल का भी काम करते हैं। वो जबलपुर जाके उनका उपचार किए थे और जड़ी बूटी भी दिए थे, जिसके कुछ राशि उन्होंने जबलपुर में प्राप्त किए थे और कुछ राशि शेष रह गई थी, तो वो दंपत्ति आके उनको यहाँ भी दिया। ऐसी एक शिकायत विगत दिनों जबलपुर से आए दंपत्ति ने पुलिस थाना एजीके में दर्ज कराई है, जिसकी जांच की जा रही है। और मैं शक्तिनगर बदनपुर जबलपुर का निवासी हूँ। मेरी मुलाकात सावन डहरिया जो सिवनी भैरवगंज के निवासी और उनके गुरुदेव डॉक्टर सत्यनारायण गिरी गोस्वामी जी हैं, जो वहाँ के आश्रम है इनका सिवनी में। मेरे घर में थोड़ी